हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, डाटा एंट्री कार्यपालक सहायक की जो है उससे रिलेटेड है। तो क्या है सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर करें जैसे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की तरफ, आखिर वो क्या न्यूज़ है, तो चलिए देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा यह निकाला गया है। प्रेषक सुशील कुमार सरकार के अपर सचिव के द्वारा सेवा में प्रभारी मानव संसाधन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वेल्टान भवन बेली रोड पटना के द्वारा, विषय क्या है तो देख सकते हैं, खान एवं भूतत्व विभाग के जिला खनन कार्यालय मुंगेर एवं जिला खनन कार्यालय किशनगंज में संविदा के आधार पर उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा वापस करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जो है ज्वाइनिंग लेटर देखा होगा जो है हर जगह, लेकिन इस बार जो है ज्वाइनिंग जाने का लेटर है विभाग से ऐसा। तो आखिर क्या है सारी बातें देख सकते हैं, क्यों लोग वेल्ट्रान से डरते हैं, क्यों जो है बीपीएसएम के थ्रू जो है कराना चाहते हैं, क्या है सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं ये जो ज्वाइनिंग हुई है ये वेल्ट्रान के द्वारा जो ज्वाइनिंग हुई है। वेल्ट्रान एक एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी है जो कि दक्षता पूर्वक सारी प्रक्रिया करके और दक्ष योग्य जो है अनुभवी ऑपरेटरों की नियुक्ति करती है, जिस प्रकार अन्य डिपार्टमेंट में सभी कार्यपालक सहायक कार्य करते हैं उसी तरह। लेकिन तो फ्रेंड्स, कार्यपालक सहायक हो बीपीएसएम के द्वारा या बेल्टान के द्वारा अगर कार्यों में अनियमितता पाई जाती है तो आपको निष्कासित किया जाता है। तो उसी क्रम में देख सकते हैं कार्यों में जो है संतुष्ट नहीं है विभाग, तो अपने जो है ऑपरेटर को सूचित किया है वेल्टन के माध्यम से और उनकी जो है जॉब जो है छीन ली गई है कहा जाए। तो यही कारण है कि लोग वेल्टन से नहीं कराना चाहते, चाहते हैं कि बीपीएसएम के थ्रू जो गवर्नमेंट सेक्शन है वो बहाली करे। ये आपका एक निजीकरण है जो बहाली करती है उसके द्वारा, लेकिन एक बात मान के चलिए, अगर आप कहीं भी कार्यों में लापरवाही करते हैं तो ये आपकी सारी जवाबदेही नहीं होती है और आप जॉब से चले जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट आपको जो जॉब करेंगे तभी सिक्योर है। अगर आप किसी भी कार्यों में लापरवाही करते हैं, कार्यों के प्रति जो है नहीं रहते हैं सचेत निष्ठावान, तो आपकी जॉब जा सकती है। उसी क्रम में ये देख सकते हैं क्या लिखा है, तो खान एवं भूतत्व विभाग के ये जिला खनन कार्यालय मुंगेर और कार्यालय में जो है किशनगंज में ऑपरेटर जो है नियुक्त हुए थे और उनकी सेवा वापस करने के संबंध में लिखा गया है कि उपयुक्त विषय में निर्देशानुसार कहना है कि आपके द्वारा खान एवं भूतत्व के जिला खनन कार्यालय मुंगेर और जिला खनन कार्यालय किशनगंज में संविदा पर उपलब्ध कराए गए निम्न कर्मियों की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई है। ठीक है, देख सकते हैं दो ऑपरेटर का नाम है, श्री गौरव कुमार महावीर प्रसाद यादव खनन कार्यालय मुंगेर और खनन कार्यालय किशनगंज में, ये उनका नंबर है एप्लीकेशन जिससे बहाली हुई बीके से। अतः उपरोक्त कारण से आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा ऑपरेटर की सेवा जो है निर्गत होने की तिथि से वापस की जा रही है। उक्त तिथि के बाद यदि आप विभाग जो है कोई इसकी जो है जिम्मेदारी नहीं होगी, तो ये विभाग ने खुद लेटर दे दिया है विश्वास वादन सरकार के ऊपर से, देख सकते हैं, और वहाँ से जो है लेटर निकल चुकी है खाने में भूतत्व विभाग द्वारा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कहा जाए तो आप जॉब के प्रति सिक्योर नहीं हैं और अपने जॉब जो भी कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब वो ज़माना नहीं कि आप जो है घर बैठे या जो भी है पैसे ले सकते हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कार्य करेंगे। कार्यों में जो है वित्त
सेटिस्फाइड संतुष्टि के अनुसार तभी स्वयं संभव है। तो फ्रेंड्स, आप अपने कार्यों में लापरवाही नहीं बरतें। एक तो जॉब आपको कैसे मिल रही है वो आप समझ ही रहे हैं, दिख रहे हैं। तमाम सारे प्रतियोगिताओं स्पर्धाओं को तोड़ते हुए आप जो निकल रहे हैं और उस स्थिति में आपको ये सामना करना पड़े तो ये बहुत ही दुखद खबर होती है। तो फ्रेंड्स, आप जो है ऐसा बिल्कुल ना करें और अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। चाहे दिन हो या रात, जिस तरह आप जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जब तक जॉब नहीं मिली रहती है, उसी तरह दिन हो या रात अपने जॉब के प्रति निष्ठावान रहें। चाहे आप कार्यपालक सहायक नियुक्ति हों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी जॉब जरूरी नहीं है कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री, ऑल गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, आप जहाँ पर भी नियुक्त हैं अपने कार्यों में लापरवाही मत बरतें। यही हम आपसे जो है विनती करते हैं, नम्र निवेदन है लक्ष्य सरकारी नौकरी का। क्योंकि आप देखते हैं सरकारी नौकरी कैसे मिल रही है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने जो है सारे जो है तमाम प्रतिस्पर्धाओं को करना पड़ता है तभी आपको मिलती है, और ऐसी स्थिति में ये जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक सभी छात्रों को अवगत कराएं कि अपने कार्यों में जो है लापरवाही नहीं बरतें, कार्यों में जो है रुचि दिखें, संतुष्टि हो, कार्यों को अच्छा से करें तो उनकी जॉब सिक्योर रहेगी। तो ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबर के साथ। बने रहे, जुड़े रहे। कोई भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके सारे क्यूरी को पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, कमेंट का जो है जवाब दिया जाता है। तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र सहयोग सभी को शेयर करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें, आपके लिए सूचनाएं समय पर लाते रहें कोई भी हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ। बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।